एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल मैं हूँ आश्रत तिवारी और रिकर्जन सीरीज के आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ने वाले तो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी लिख लिखा है यहाँ कि जोसेफ प्रॉब्लम बड़ी इजी है बट बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ठीक है तो बिना कोई टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपने रिकर्जन सीरीज़ अभी तक देखना शुरू कर दिया बिकॉज बहुत लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं सो आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो अगर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन ऐड कराना है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में तो आप ऑब्वियसली रिकमेंड कर सकते हो तो बिना कोई टाइम इसके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट है गिवेन दंबर ऑफ पर्सन एन एंड के विच इंडिकेट्सिप एंड इज किल्ड इन दी सर्कल इन डायरेक्शन से सर्कल सो दैट वेन यू परफॉर्म दीज ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्लेस यू आर द लास्ट ऑन रिमेनिंग एंड सर्वाइव ठीक है तो ये जोसेफर्स प्रॉब्लम बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ठीक है क्या होता है कि एक आर्मी का बंदा था ठीक है वो और उसके कुछ दोस्त मतलब उसके साथी फौजी एक केव में फंस जाते हैं और बाहर एक दूसरी आर्मी खड़ी रहती है तो वो एग्जीक्यूट करने आ रही होती है मतलब मारने आ रही होती है इन लोगों को तो ये लोग कहते हैं यार हम मरेंगे लेकिन दुश्मनों के हाथों नहीं मरेंगे खुद ही मर जाएंगे तो इनमें से एक बंदा होता है जोसेफस वो एक आइडिया देता है वो कहता है कि हम खुद को ही मार लेते हैं तो कैसे मारेंगे तो कहते हैं यार हम सारे सर्कल में खड़े हो जाते हैं और हर आदमी क्या करेगा अपने केथ डिस्टेंस वाले को मार देगा ठीक है ऐसे मैं अभी बताता हूँ आपको तो ऐसे सब एक दूसरे को मार देंगे बट स्टिल एक बंदा तो रह जाएगा ना तो जो बंदा रह जाएगा वो सुसाइड कर लेगा ये इनका प्लान रहता है बट क्या होता है कि जोसेफस अपने दोस्तों को धोखा दे देता है वो सारे तो मर जाते हैं वो खुद बच जाता है लास्ट में और वो सरवाइव कर जाता है वो आ, सुसाइड नहीं करता है ठीक है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो उसी पे ये प्रॉब्लम है इसीलिए इसका नाम जो प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है आपको आपको जोसेफिस स्मार्ट बनना है आपको एक नंबर दिया रहेगा मतलब कितने लोग हैं आपको के दिया रहेगा कित किस किस डिस्टेंस पे आपको मारना है एंड आपको ऐसी पोजिशन बताने कि मैं अगर इस पोजीशन पे खड़ा हूं तो मैं नहीं मरूंगा मैं ही वो लास्ट मैन हूं जो सर्वाइव करेगा ठीक है क्योंकि आप धोखा दे सकते हो फिर यार दोस्तों को तो पता नहीं चला कि उसने धोखा

देखो रिकर्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा विजुलाइज करना डिफिकल्ट होता है ऊपर से आप अगर मैथ भी घुसा दोगे इसमें तो यार क्या करेगा इंसान मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है बट मैं आपको समझा जैसे रहूँ अगर आप वैसे पढ़ोगे तो पढ़ना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा ठीक है तो एनी वेज यहाँ पे पांच बंदे हैं के इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं टू ले लेते हैं ठीक है टू ही ले, ले लेते हैं कुछ भी ले लो यार क्या फर्क पड़ता है स्टार्ट हमेशा यहाँ से होने वाला है ठीक है फर्स्ट पोजीशन से लिखा है क्वेश्चन में के के माइनस वन बंदे स्किप हो जाएंगे और के बंदा मरेगा ठीक है तो यानी कि यहाँ पे टू है तो टू माइनस वन वन अच्छा काउंटिंग खुद से करेगा तो ये क्या करेगा ये खुद को काउंट करेगा वन टू के की वैल्यू टू थी तो इसको एग्जीक्यूट कर दो इसको मार दो नेक्स्ट काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी गई थ्री फोर अगेन डिस्टेंस ऑफ टू ठीक है मतलब ऐसा एक दो दूसरा मिला इसे मार दो ठीक है फिर फाइव सिक्स तो ये दूसरा बंदा मिल गया इसे मार दो फिर सेवन एट ये अगला बंदा मिला इसे मार दो तो कौन सर्वाइव कर रहा है थ्री आपको थ्री बताने, मतलब आपको पोजीशन बतानी कि किस पोजीशन पे आप इनिशियल एरे में खड़े हो जाओ इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर जो भी आप लोगों में एरे ले लूंगा तो जहाँ पे भी आप खड़े हो जाओगे वो पोजीशन आपको बतानी की भाई इस पोजीशन पे खड़े रहोगे तो तुम नहीं मरोगे ठीक है तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम है ठीक है अब इसे हम एक एरे से डिपेंड कर लेते हैं फटाफट से बट उससे पहले ये प्रॉब्लम रिकर्सिव की क्यों है ये रिकर्सेंस के थ्रू क्यों सॉल्व हो रही है क्योंकि आपको दिख रहा है आप एक बंदे को मार करके बचे हुए लोगों में सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हो फिर अगले बंदे को मार करके सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हो मतलब इनपुट छोटा कर दे रहे हो एंड अगले बंदे को मारने का सोच रहे हो ठीक है तो तैयारी मेरा इनिशियल एरे है ठीक है यानी कि एन इज इक्वल टू फाइव है के इज इक्वल टू टू है इसे थोड़ा सा समझते प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे तो ये क्या है इंडेक्स जीरो है इंडेक्स वन है इंडेक्स टू है इंडेक्स थ्री है इंडेक्स फोर है ठीक है अब आपको क्या करना है आपको केत बंदे को एग्जीक्यूट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट इथ ठीक है यानी कि ये बन पहला हो गया ये दूसरा हो गया तो आपको इसे एग्जीक्यूट करना है तो हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम इसे अपने एरे से रिमूव कर देंगे तो रिमूव कैसे करते हैं हम बाकी सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देते हैं क्या इंडेक्स पर कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है ठीक है तो अगेन अब आप यहाँ पे खड़े हो कलर चेंज कर लेते हैं आ... ठीक है अब आप यहां पे खड़े हो आपको अगेन दो कॉल करनी है तो एक आप खुद ने करी दूसरी कॉल आपने यहाँ करी तो अब आप फोर को एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये एरे बन जाएगा वन थ्री फाइव ये इंडेक्स जीरो वन टू अब आप कहाँ थे इंडेक्स टू पे खड़े हो ठीक है अब आपको अगेन आगे चलना है तो अब आप एक तो आप खुद हो दूसरी कॉल यहाँ आ गई ये हो गया यार एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ठीक है तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे बड़ा ही सिंपल होता है हम यूज़ करेंगे मॉडल ऑपरेटर ठीक है तो ये क्यों यूज़ करेंगे तो बेसिकली अभी आप देखो इधर था साइज फाइव इधर था साइज फोर इधर आ गया साइज थ्री यानी साइज एक एक कम हो रहा है ऑब्वियसली हम एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं किल कर रहे हैं किसी को तो हमारी साइज लोगों की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है वन बाय वन ठीक है बाय वन कम हो रही है तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो देखो आपको फाइव के बाद अगला बंदा यहाँ पे चाहिए बट आपकी प्लस प्लस अगर आप करते जाओगे तो आपको ये मिलेगा तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि हम क्या करेंगे जिस भी इंडेक्स पे हमें जाना है जिस भी इंडेक्स पे हमें जाना है जिस पे हम हैं वहाँ नहीं जैसे कि सपोज हमारी करंट इंडेक्स आईएनडी है एंड नेक्स्ट इंडेक्स हमारी एनी एन एक्स है ठीक है तो हमें क्या करना है एन एक्स डिवाइड बाई साइज ऑफ द एरे ठीक है तो बेसिकली अगर आप जीरो वन टू जैसे आप थ्री पहुंचोगे तो थ्री मॉडलो थ्री जीरो हो जाएगा वापस यहाँ आ जाओगे फोर जाओगे फोर मॉडलो थ्री क्या हो जाएगा वन हो जाएगा वापस यहाँ आ जाओगे ठीक है ऐसे सिमिलरली यार फाइव मॉडलो थ्री आपको यहाँ लेके जाएगा तो ये अगेन सेम कॉन्सेप्ट है ठीक है तो हमें पता चल गया कि नेक्स्ट और नेक्स्ट कैसे निकालेंगे ऑब्वियसली करंट इंडेक्स प्लस के क्योंकि आपको के ही तो मूवमेंट्स करने नहीं भैया के नहीं करने के माइनस वन करने एक तो आप खुद ही हो यानी कि इंडेक्स करेंट इंडेक्स प्लस के माइनस वन ये आपको नेक्स्ट इंडेक्स बता देगा ठीक है बट जैसा कि मैंने बताया मॉडल वाली प्रॉब्लम फंसेगी तो यहाँ क्या कर दो मॉडलो करंट साइज ऑफ द एरे करंट साइज ऑफ दी एरे क्योंकि साइज एक एक हमेशा कम हो रहा है ध्यान रखना पहले एरे का साइज फाइव था अभी वाले का थ्री है फाइव से मॉडलों मत कर देना इसलिए यहाँ पे एन से मॉडलो नहीं करेंगे एंड बेसिकली एरे भी नहीं यूज़ करेंगे एरे लिस्ट यूज करेंगे क्यों डायनेमिक है यार नेचर में वो जैसे एलिमेंट डिलीट करोगे उसकी साइज अपने आप फोर हो जाएगी अपने आप थ्री हो जाएगी वरना आपको यार अलग से एन माइनस वन करते रहना पड़ेगा हर बार ठीक है तो दोनों तरीके गलत नहीं कुछ भी कर लेना मैं इस इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ चलो तो दूसरा एलिमेंट वन आ गया ये बेचारा एग्जीक्यूट हो गया यानी अब थ्री और फाइव बचे ये जीरो थे इंडेक्स पे है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है अब आखिरी बंदा जीरो थे इंडेक्स पे मरा था ऑब्वियसली तो थ्री के पास अब चाबी है तब थ्री क्या करेगा थ्री ने गन उठाई उसने कहा कि वन तो मैं ही हूँ टू तुम हो ढिश के आऊ खत्म जीरो थे इंडेक्स पे जो भी है वो हमारा आंसर है तो ये हो गई जोसेफिस प्रॉब्लम विदाउट मैथमेटिक्स छोटा सा मॉडलर्स यूज किया था यार ठीक है तो रिकर्सिवली आपको कैसे करना है आपका इनपुट कैसे छोटा हो रहा है आपको एरे में इरेज करना है दैट्स इट और कुछ भी नहीं करना है के की वैल्यू क्या लोगे के की वैल्यू बस एक ध्यान रखना जब आप नेक्स्ट इंडेक्स निकाल लो तो के माइस वन होगी अभी मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट देन आप इस क्वेश्चन को खुद भी कभी भी कहीं भी किसी के साथ कर सकते हो ये प्रॉब्लम बताने का पॉइंट ये था कि बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये तो यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक एंट रिकर ठीक है एरे लिस्ट ले लेते हैं एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर इसका नाम रख देते हैं लिस्ट देन हमें चाहिए इंट के और इंड करेंट इंडेक्स जिसे हम कहते थे आई एन डी इसे थोड़ा सा और ओके तो ये डॉट हटा दो यहाँ से बेस केस क्या अच्छा बेस केस की तो बात ही नहीं की एक एलिमेंट बचेगा तो वही तो आंसर है तो बेस केस क्या है इंडेक्स पे आपका आंसर होगा यानी कि जब आपकी एरे की साइज हो जाए तो मतलब एक ही एलिमेंट है जो सरवाइव कर रहा तो है तो जीरो इंडेक्स वाला आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो इफ लिस्ट डॉट साइज इक्वल्स इक्वल्स वन है आपका तो हम कह सकते हैं भैया यही एलिमेंट रिटर्न कर दो रिटर्न लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स पे जो भी है उसे रिटर्न कर दो ठीक है अब एरे लिस्ट में एक खासियत होती है जैसे आप कोई एलिमेंट डिलीट करोगे तो अपने आप ही शिफ्टिंग कर देता है साइज भी छोटा कर देगा इवन शिफ्टिंग भी कर देगा ऐसा नहीं कि वहां पे नल रखा हुआ है वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप ही तो आपको शिफ्टिंग की भी कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैंने कहा यार एरे लिस्ट ले लो क्यों फालतू में एरे बना करके अपना टाइम वेस्ट करोगे ठीक है तो अब नेक्स्ट इंडेक्स निकालते हैं इंट नेक्स्ट इंडेक्स है जो भी है ठीक है तो हो जाएगा करेंट इंडेक्स प्लस के माइनस वन एंड जो मेन चीज मैंने आपको कही कि मॉडुलो करना मत भूलना वरना आंसर आएगा नहीं ठीक है क्योंकि एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे लिस्ट डॉट साइज अब आप ध्यान दो मैंने एन कहीं पास ही नहीं किया अगर करता तो यहाँ पे एन माइनस वन करना पड़ता नेक्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स गई बस रिमूव कर दो तो लिस्ट डॉट रिमूव ठीक है नेक्स्ट इंडेक्स जो भी है जहाँ पे बंदा मर रहा है अब वापस से रिकर्जन कॉल दोबारा से कहा शुरू होगी तो आपने देखा था कि उस इंडेक्स ये शिफ्टिंग कर दे रहा है ऑब्वियसली ठीक है तो जो मेरी नेक्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे भी एक नया बंदा आ गया है तो वो खुद से ही तो काउंटिंग शुरू करेगा तो इंडेक्स प्लस नेक्स्ट इंडेक्स प्लस वन मत पास कर देना ठीक है तो हम क्या करेंगे रिकर ठीक है आपकी लिस्ट एज इट इज जाएगी आपका के एज इट इज जाएगा आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा एज इट इज जाएगा सॉरी नॉट इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स अच्छा अगर आप देखो तो नेक्स्ट इंडेक्स या आप आई एन डी भी लिख सकते हो तो दोनों चीज़ें भी करके दिखा दूंगा मैं ठीक है फालतू में एक नया वेरिएबल बेसिकली यार मैं क्या करता हूँ मेरे मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं आपको ब्रेक करके चीज़ें दिखा दूँ उसके बाद हम एक साथ ही ऑप्टिमाइज कर देंगे ठीक है कोडिंग ऑप्टिमाइज कर देंगे बेसिकली नेक्स्ट इंडेक्स और इंडेक्स मतलब देखो यार अगर आप इस लाइन के बाद देखो इस लाइन के बाद इस लाइन के बाद जो आपका इंडेक्स आ रहा था ऊपर से उसका कोई यूज केस नहीं वो गायब हो गया बेचारा ठीक है तो ऐसा मत कर हमारे पास रिसोर्सेज हैं ना उससे यूज़ करते हैं बट अभी रुको अभी मैं करके दिखाऊंगा पहले से चला के देख लेते हैं ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना मैंने यहाँ पे के भेजा है के माइनस वन नहीं भेजा है ठीक है नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट हम के माइनस वन से करें बट अगर आप नेक्स्ट रिकर्जन कॉल में के माइनस वन भेज दोगे तो यू आर डेड ठीक है ये मत करना भाई साहब क्योंकि के क्या बता रहा है कि कितने गैप होना चाहिए कि लिंग में देखो आपने ऑलरेडी इंडेक्स निकाल ली नेक्स्ट इंडेक्स निकाल ली आपने लिया कर दिया तो क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे ओरिजिनली था बस क्या हो गया एक एलिमेंट कम हो गया और आएगी एक साइज छोटी हो गई करेक्ट यही तो हुआ तो ये सब चेंज मत कर देना रिकर्शन कॉल एज इट इज जाएगी अच्छा ये इंट फंक्शन है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रिटर्न ठीक है यही आंसर दे देगा और 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 मुझे यहाँ पे कॉल करना है अगेन रिटर्न इसी को कॉल कर लेते हैं रिकर फंक्शन ठीक है लिस्ट अभी लिस्ट बनाएंगे अभी लिस्ट बनाई नहीं है दूसरा हमारे पास के एज इट इज जाएगा इंडेक्स इंडेक्स जीरो थे इंडेक्स ठीक है ये इंडेक्स बेसिकली क्या है सॉरी ये इंडेक्स बेसिकली क्या है ये इंडेक्स बेसिकली आपकी स्टार्टिंग है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से फर्स्ट प्लेस से कर रहे थे ना तो जीरो इंडेक्स पास कर दी भाई क्योंकि इंडेक्स है ये एरे है फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे होता है ठीक है तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार क्वेश्चन में तो फर्स्ट प्लेस लिखा है भैया जीरो क्यों भेज रहे हैं जीरो मींस एरे की फर्स्ट इंडेक्स तो एक ही बात होगी ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है हमें इस एरे लिस्ट को क्रिएट करना है एक मिनट थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वाले लोग ठीक है इसे कर लेते हैं इज इक्वल टू न्यू फिर से पेस्ट ठीक है कितना प्रोडक्टिव लगता है ना फटाफट दो बार पेस्ट के पूरा लिख गया फॉर i is equal to one i is less than equal to n i plus plus basically मैं अपने array में क्या कर रहा हूँ array list में क्या कर रहा हूँ इन सारे elements को fill कर रहा हूँ list dot add क्योंकि तो अपने आप तो आ नहीं जाएगा अंतर्यामी तो है नहीं वो जान जाएगा कि क्या होगा यहाँ पे ठीक है आ, बस कंप्लीट है ना जब मैं बोलता हूँ ना कंप्लीट है ना इतनी कॉन्फिडेंस से कोड करता हूँ कुछ ना कुछ मिस ही हो जाता है पता नहीं देखते हैं पूरी सीरीज में मेरी ऐसे बहुत अरे नहीं मैं यार बेस्ती बाकी पूरी सीरीज में यार आप देखो दो तीन क्वेश्चन में हमेशा ऐसे होता है एक मिनट जूम कर देता हूँ ठीक है यही बातें तो बाद में याद आएंगी एक बार में चल गया था ठीक है तो चल गया मेरा कोड ठीक है अब 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 कुछ आपको मैंने दिखाना था हाँ इसे चेंज करते हैं ठीक है तो इसे हम कर देते हैं नेक्स्ट से हटा करके नॉर्मल अपना आई एन डी ठीक है और यहाँ पे भी हम इंड कर देते हैं तो बेसिकली यार आप कुछ कर नहीं रहे हो आप कह रहे हो कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों बना रहे हो ठीक है क्योंकि उसका हमें नीचे कोई यूज़ नहीं तो उसे ओवर राइट कर देते हैं सेम ही तो बात है एक ही वेरिएबल लेके चल रहे ले हो ऊपर से क्या दिक्कत है जूम uh, कर लेते हैं तो ये आ गया यार आपका आंसर एक बार फिर से ठीक है तो बस यार यही था आज की वीडियो में अगर आप को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मैंने मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया जो हर जगह यूज कर रहे हैं तो इससे भी तो आंसर आ रहा है ये इजी टू अंडरस्टैंड है प्रॉपर रिकर्जन है या तो मैथ्स पढ़ लो या तो रिकर्जन पढ़ लो ठीक है तो बस यार ये था आज की वीडियो में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो अगर आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार आपको इस जोसेफस प्रॉब्लम के बारे में पता था या नहीं पता था मुझे नहीं पता था मैंने अभी रिसर्च करा कि ये होता क्या इसका नाम जोसेफस ही क्यों है ठीक है सॉल्व बड़ी बार किया है बट आज मैंने इसको देखा ध्यान से ठीक है तो बस यार ये था आज की वीडियो में मिलती है आपसे अगली वीडियो में तब तक के ले बाय टेक केयर